हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब? और सुबह के बज गए 10:15 और मैं कहाँ जा रही हूँ वीडियो में आप देखेंगे। और आज शिवांश का बर्थडे नहीं है, कल है, लेकिन आज सैटरडे है तो स्कूल में सेलिब्रेशन आज होगा, क्योंकि कल तो छुट्टी रहेगी। तो इसलिए स्कूल में जो सेलिब्रेशन होगा ना, उसके लिए सुबह शिवांश जा चुका, और उसकी जो मैं ड्रेस लेके आई थी ना, वो छोटी आ गई, क्योंकि शिवांश को लेके जा नहीं सकती थी, अकेले गई थी, तो लेके आई वो ड्रेस आई छोटी। अब मुझे वो चेंज करवानी पड़ेगी सुबह। वो बेचारा जो पहले के कपड़े लाए हुए थे ना, वो ही पहन के गया है। मेरा मन तो दुखी है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करूँ। साइज मैंने वही बोला था उसको, 24 नंबर पैंट आती है, मैंने 24 ही बोली थी, लेकिन वो साइज तक शायद कई कंपनियों का छोटा साइज होता है ना, तो उसका छोटा साइज होगा 24, तो उसके काफ़ी कुछ, ये पतला भी है ना, तो इसका पता भी नहीं चलता, कमर देख के लेनी पड़ती है पैंट, नहीं तो बड़ी जो पैंट है ना उनको थोड़ा लूज रहती है। मैं कोशिश की बड़ी लेने की। चल रहा था जनरेटर, इसलिए मैंने साउंड म्यूट कर दिया अपना। चलो ऑटो ले लेते हैं, यहाँ से ऑटो लेना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं केक खरीद लूँ, उसके बाद मैं ऑटो लूँगी, क्योंकि अभी ऑटो ले लिया तो बीच में ऑटो वाला रुकेगा नहीं, केक लेने के बाद मैं ऑटो लेऊँगी तो सही रहेगा। तो जी, मैंने कई बार इधर से निकलते हुए देखा है, यहाँ पर एक बेकरी है, A1 बेकरी, और ज़्यादा दिन नहीं हुए उसको, मतलब जिस दिन उसकी ओपनिंग थी ना उस दिन मैंने देखा था। मतलब हाईलाइट होता है ना, जिस दुकान की ओपनिंग होती है वो एकदम से हाईलाइट हो जाती है, क्योंकि बलून वगैरह लगे रहते हैं, अच्छी खासी डेकोरेशन हुई रहती है, तो उस दिन देखा था मैंने उसको। फिर मैंने सोचा चलो आज उसी को ट्राई किया जाए, और सच में अंदर जाने के बाद में देखा तो काफ़ी अच्छी बेकरी थी, और यहाँ पर मतलब काफ़ी वैरायटी थी केक की। तो चलो चल लेते हैं अंदर और एक बढ़िया सा केक देख लेते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये वाला जो केक है ना, ये मेरे भाई की तरफ से गिफ्ट था शिवांश के लिए। भाई ने मेरे को फ़ोन करके बोला था कि शिवांश के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले लेना, तो मैंने बोला कि ठीक है, उसको ना स्कूल में सरप्राइज़ देती हूँ और केक लेके जाऊँगी, तो तू केक का पे कर दियो, जो भी होगा मैं बता दूँगी केक पसंद करने के बाद में। तो इन भैया ने बहुत सारे केक निकाले थे, अभी आप लोग देखते जाओ कि कौन कौन से कैसे कैसे केक थे, और क्लास के हिसाब से जैसे 2 पाउंड का काफ़ी रहता है, जैसे यूँ होता है ना कि ले जाने को तो चाहे अपन कितना ही बड़ा लेके जाओ, लेकिन 2 पाउंड का काफ़ी रहता है, तो मैंने सोचा चलो 2 पाउंड का केक जो है ना लगभग अपना करवा लेंगे। तो यहाँ पर ये सारे केक हैं, इनमें से जो मैंने पसंद किया वो आप लोग आगे देखेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, कि ये जींस के ऊपर ये वाइट कलर के फूल वगैरह बने रहते हैं ना, ये केक मुझे कम ही पसंद आते हैं। वैसे केक मुझे कम बहुत पसंद आते हैं, लेकिन बच्चों के हिसाब से जो केक है ना वो मेरे को लेना था, तो मेरे बच्चों को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चॉकलेट फ्लेवर का मैंने लिया है। और अभी ये भैया उसके ऊपर नाम लिख रहे थे, पहले से ऑर्डर कर देते तो नाम उसके ऊपर लिखा जाता है, लेकिन मुझे इस तरीके से नाम लिखना ज़्यादा बेटर लगता है। तो जी, मैंने यहाँ से, ये भैया की शॉप है A1 बेकरी शॉप, यहाँ से केक लिया है, और यहाँ पे ना वैरायटी बहुत मिली मेरे को केक की, तो मैंने ये वाला केक डिसाइड किया। देखो इसमें बैक कैमरे में दिखा दूँ, तो जी काफ़ी रिजनेबल रेट में मुझे मिल गया था, और फ्रेश फील हो रहा था इसको देख करके कि फ्रेश केक है। और ये मुझे मेरे को मतलब मिला था 500 रुपये का, 2 पाउंड का, और इसमें ना मतलब कम्प्लीट चॉकलेट केक था ये, जैसे ऐसा नहीं था कि क्रीम है अंदर, बहुत ज़्यादा ब्रेड है अंदर, तो ये वाला केक मैंने लिया है। और अब भैया ने इसको थोड़ा सा वो था ना बर्थडे के हिसाब से करने की कोशिश की है, और इसके साथ में कैंडल और वो होती ना कैप, वो भी मैंने ले ली थी। तो चलो चलते हैं अब। कैंडल भैया ने वैसे दे दी थी, केक और केक के वो क्या बोलते हैं उसको यार, कैप, कैप मैंने ली थी। पहुँच गए स्कूल में, और आज बच्चों का प्ले का डे है, मतलब आज स्विमिंग वगैरह क्लासेस लगी हैं, तो खेल ही रहे होंगे। चलते हैं, देखते क्या कर रहे हैं। क्या शिवांश ऐसे हुआ कि <laughs>
और बच्चों का आज स्विमिंग क्लास का दिन था, तो अभी इनकी स्विमिंग वगैरह हुई थी, और जिस कारण से मैम ना बच्चों के कपड़े चेंज कर रही थी, और शिवांश बहुत ज़्यादा खुश हो गया। शिवांश के साथ में क्लास में और भी बच्चे थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए और बार बार मेरे पास आ करके ना चेक करके जा रहे थे कि आंटी कैसा केक लेकर आई हैं, और मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अभी नैनी की जो क्लास है ना उसकी स्विमिंग हो रही है, और यहाँ पर देखो सामने आप देख सकते हो नैनी को, काफ़ी एंजॉय कर रहे थे बच्चे। मैंने इनको देख करके ना मतलब ये लगा कि हाँ भाई स्कूल में बच्चों को थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी मिलना चाहिए, ताकि बच्चे ना खुश होकर के स्कूल में जाएं। तो जी सभी बच्चों के कपड़े मैम ने चेंज कर दिए थे, और उसके बाद में आ चुके हैं हम, ये इनका डांस क्लास का जो हॉल है ना उस वो है यहीं पर, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किए जाते हैं अगर मौसम ख़राब हो या धूप वगैरह हो तो, नहीं तो बाहर जहाँ पर सुबह प्रेयर वगैरह होती है वहाँ पर सेलिब्रेट होता है सब कुछ। और एक प्ले रूम है वो भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा हॉल है, वो भी काफ़ी डेकोरेट कर रखा है। तो यहाँ पर सारे बच्चे जो है ना वो इतने डिसिप्लिन में हैं कि बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और डिसिप्लिन में मैम ने एक बार बोला था कि केक कटिंग होगा, सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ, और सारे बच्चे बहुत आराम से प्यार से खड़े हो गए थे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये देख करके कि सारे बच्चों ने कितने अच्छे से मैम की बात मानी। और स्कूल में जिस तरीके से आज मैंने देखा कि बच्चों के एंजॉय के लिए कितना अच्छा बंदोबस्त कर रखा है, टीचर्स माँ के जैसे बच्चों के कपड़े चेंज कर रही हैं, और बच्चों को फिर जैसे पहले कपड़े चेंज हुए उसके बाद में खाना खिलाया। और आज का जो दिन था ना सच बताती हूँ बन गया पूरा, बहुत अच्छा लगा, मन है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया बच्चों के साथ बातें करके। ये देखो सारे बच्चे मेरे साथ बहुत सारी बातें कर रहे थे इस टाइम पे। और मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं यहाँ पर कि जैसे ही जो स्कूल का ग्रुप है ना उसमें बाकी बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेशन की पिक्चर्स आती थी ना, तो शिवांश बहुत गौर से उनको देखता था और हमेशा कहता था मम्मी मेरे जन्मदिन पर भी ऐसे करना, मम्मी मेरे जन्मदिन पर ऐसे ज़रूर करना। कभी अपने पापा से भी बोलता था कि मेरे जन्मदिन पर ऐसे करना। तो वो सारी चीज़ें याद आ रही थी मुझे आज, जब ये खुश हो रहा था ना बहुत ज़्यादा, इसको स्पेशल फील हो रहा था और बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था। मैम ने इसको कैप लगाई, और ये बहुत शर्मीले टाइप का है लेकिन आज इसने हर एक चीज़ को ना एक एंजॉय करने के तरीके से, और वो होता है ना कि अपनी खुशी जाहिर करने के तरीके से सेलिब्रेट किया। और मैं इसको देख रही थी ना तब सिर्फ और सिर्फ मुझे ये अपने बच्चों की खुशी दिखाई दे रही थी, और पीछे जो भी ड्रामा होगा या कोई भी पंगा होगा या कुछ भी होगा मुझे कुछ नहीं दिख रहा था कि हाँ जो भी होगा देखा जाएगा। आज मुझे ये दिन यहाँ पर मेरे बच्चे के साथ में मनाना है, इसके खुशियों का ध्यान रखना है, बाकी इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। और कैंडल मैं नहीं लेकर गई थी क्योंकि हमारे यहाँ पर कैंडल नहीं जलाते हैं, मतलब कैंडल जला दिया जलाते हैं और कैंडल बुझाते नहीं हैं ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सर और प्रिंसिपल मैम जो है ना वो दोनों आ गए थे, क्योंकि हमेशा यार एक बच्चे का बर्थडे उसके माँ बाप केक कटिंग करवाते हैं, लेकिन गुरु का दर्जा भी काफ़ी बड़ा होता है। कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कहते हैं ना कि गुरु का दर्जा तो भगवान से ऊपर भी कहा गया है। तो पहले आज मैंने सोचा मेरा जो बच्चा है उसकी ज़िंदगी का ये वाला केक जो है ना वो उसके गुरुजनों के हाथों से कट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैम और सर ने केक कटवाया था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब मैं ओरिजिनल साउंड रख रही हूँ। शिवांश शिवांश पैर छुओ मैम के और सर के दोनों के।
तो जी शिवांश का ये वाला बर्थडे मैंने कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया, काफ़ी अच्छा लगा और बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे स्माइल आई, उसको देखकर भी काफ़ी अच्छा लगा। सब बच्चों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शिवांश ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और आज के दिन में कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी इस तरीके की बात नहीं चाहती थी, तो मैंने वीडियो में पूरे में सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के जन्मदिन पर फोकस रखा, बाकी किसी चीज़ पर फोकस नहीं रखा। अब आ गई हूँ क्लास में और अब बस अब घर जाएंगे दोनों बच्चों को लेकर के। तो चलो फिर घर चलते हैं, व्लॉग का एंड करते हैं, मिलूँगी आप लोगों से नए व्लॉग के अंदर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया हो ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना आशीर्वाद शिवांश को ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।